आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर पर। प्यारे प्रदेशवासियों नमस्कार। पूरे देश भर में लॉकडाउन 4.0 समाप्त हुआ है पिछले कल और आज से पूरे देश भर में अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है। मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना वायरस के इस दौर में से गुजरते हुए अब आम जनजीवन ठीक प्रकार से सुचारू रूप से चल सके, उस दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार ने लिए हैं और केंद्र सरकार के साथ साथ में हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी लिए हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने पिछले कल निर्णय लिया कि जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सुचारू रूप से आज से सभी सड़कों पर चलना शुरू हो जाएगी, यानी कि बसें, चाहे वो सरकारी बसें हैं चाहे वो प्राइवेट बसें हैं, सभी बसें जो हैं आज से काम करना शुरू कर देंगी। लेकिन उसके बावजूद उसमें हमने ये तय किया है कि उसमें 60% ऑक्यूपेंसी रहेगी, यानी कि पूरी बस में अगर 52 सीटें हैं तो 52 की 52 सीटें नहीं भरी जाएंगी और उसमें 60% ही लोग उसमें बैठेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को हम जो है मेंटेन कर सके। ये बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ में ये भी हमने तय किया है कि बस में चढ़ने वाली हर सवारी मास्क का इस्तेमाल करेगी, अगर बिना मास्क के कोई जाएगा तो उनको बस में जाने की अनुमति नहीं होगी। इसी के साथ एक जिले से दूसरे जिले में जाने की व्यवस्था पहले परमिट के माध्यम से थी, पास के माध्यम से थी, अब आज से हमने उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। एक जिले से दूसरे जिले में बिना पास के आप जा सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की आपको कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद बाहर के प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में आने वाले व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश में पास लेना होगा ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि उक्त व्यक्ति कहां से आ रहा है और आने के पश्चात क्या उसको होम क्वारंटीन में भेजना है या फिर उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजना है। हमने ये भी तय किया, खासतौर से देश के कुछ हिस्से जहां कोरोना वायरस के मामले बहुत बड़ी संख्या में हैं, वहां से कोई व्यक्ति आता है तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजा जाएगा, जहां मामले कम हैं वहां उनको होम क्वारंटीन भेजने की व्यवस्था पर हमने निर्णय किया है। पिछले बहुत लंबे समय से हमारे सारे मंदिर और धार्मिक प्रतिष्ठान जो है बंद पड़े हैं। अब हमने निर्णय लिया कि 8 तारीख से, यानी कि 8 जून से हिमाचल प्रदेश में सभी धार्मिक स्थानों को खोल दिया जाएगा दर्शन के लिए, लेकिन वहां भी इस बात को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और उसके साथ साथ में एहतियात और सावधानी के साथ जाकर के हम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक ये मंदिर, ये धार्मिक स्थान जो हमने खोले हैं उनमें सिर्फ हिमाचल के लोग ही दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, बाहर से कोई पर्यटक, बाहर से कोई लोग आकर के इन मंदिरों में अभी तक फिलहाल नहीं जा सकेंगे। इसके साथ हमने एक और निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश के होटल और रेस्टोरेंट वो भी हम 8 तारीख से खोल रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में होटल और रेस्टोरेंट टूरिस्ट के लिए नहीं, जो लोग हिमाचल के हैं वो जा सकते हैं, रह सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हिमाचल से बाहर से जो लोग हिमाचल प्रदेश में किसी काम के सिलसिले में आते हैं वो लोग इन होटल में रह करके और वहां पर खाना खा सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि रेस्टोरेंट में भी 60% कैपेसिटी ही हम जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। हमने एक और भी निर्णय लिया है, अभी हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे, इसके बारे में जो निर्णय हम लेंगे वो जुलाई के माह में लेंगे। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका बहुत सहयोग मिला है, हम इस दौर को पार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से जो कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केसेज हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है
और मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी हम जो है हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के उस दौर से बाहर निकलने की परिस्थिति में हो पाएंगे। मैं उन सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा जो विशेष तौर से दूसरे प्रदेशों से हिमाचल प्रदेश में अपने घर पहुंचे हैं, अगर आप होम क्वारंटीन में हैं, अगर क्वारंटीन का टाइम उनका पूरा नहीं हुआ है तो पूरी सावधानी और एहतियात बरतने की कृपा करें ताकि आपका परिवार के साथ साथ में हमारा समाज जो है किसी तरह से भी संक्रमित ना हो सके। इसके अतिरिक्त जो इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में हमारे भाई बहन हैं उनको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करते हुए आप हमको पूरा सहयोग देंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और हिमाचल प्रदेश के सभी कोरोना वॉरियर्स का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना हमेशा तत्पर होकर के लोगों की सेवा करने के लिए इस संकट के दौर में मुड़ करके नहीं देखा, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर से मैं आप सबके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिमाचल।